दो दिन में आपको प्रोटोकॉल सब मिल जाएगा। प्रोटोकॉल से समझ गए ना कि मैं वजीर आजम हूँ, जब भी आपको प्रोटोकॉल बोलिएगा। कहाँ तक वो तरक्की कर गया, आज हमारे क्या है, गर्मियों में लाइट नहीं है, सर्दियों में गैस नहीं है, गलियां बंद किया तो इतने इतने गंदे पानी है, नमाज पढ़ने नहीं जा सकते हैं। कल इन्होंने 500 रुपए आटा तोड़ बढ़ा दिया है, शर्म के मारे मर जाना चाहिए। आज नवाज शरीफ कहता है कि मैं असल लीडर हूँ, गरीब का हकदार हूँ, तो कोल लाख पाक में इसकी जो जमीन पड़ी है मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास अपना घर है बहावलपुर में, मेरे वाली साहब ने दिया है, जिनके पास घर नहीं है दो दो मरले का प्लाट दे दे, मैं छोड़ देता हूँ इमरान खान को, जा देख लेता हूँ तो कितना बड़ा पाकिस्तान का ख्याल का और गरीबों का ख्याल का। बातें करता है पर नाना बन गया, उसकी गाल देखो कैसे लगती है लाल खा खा के। उसके बेटे लंदन में बैठे हैं और ये सामान पार्क में बैठा असल लीडर। अगर ये चाहता तो यहाँ से जा सकता था, माफी मांगे किसी से कि मैं जा रहा हूँ, लेकर से कर नहीं, आवाम के लिए खड़ा हुआ हूँ। आवाम कहेगी कि ये भी उनकी तरह जीता निकला, नहीं असल लीडर है असल खान, इमरान खान और पाकिस्तान, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। इमरान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद खान जिंदाबाद। आ जाते ठीक है, छोटे छोटे पढ़े लिखे लोगों के साथ तो आंसू गैस पैक है, ये दहशत गर्द है। आप आंसू गैस पैक हो तो अभी थोड़े बात फूल वाली मंडी से फूल वाले हार ला के पवाइए, क्यों भाई वजह साढ़े टैक्स ना तुम पल दे साढ़े के आंसू गैस, क्यों भाई कश्मीर च रहने के इसराइल च रहने, सानू साढ़े हक दीते जान। गरीब के साथ इन्होंने गरीब को कहीं का नहीं छोड़ा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी, आटा महंगा, घी महंगा, क्यों भाई आज इनको दाल मांस भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, घी भी इंपोर्ट करना पड़ा है, तो भाई ना बनाते सोसाइटी, हाँ ये चीज करते जो इंसान को चाहिए, पुल बना दे, पुल को चाटे रोजाना वहां से या घर आटा लेके जाए, कुटी का भी आटा ले नहीं थी, शिवाज ने पुल बनाए चट के आ गए यहाँ से। अभी आटे की तकसीम हो रही है, वो भाई जान ने पुराने सारी जो एक मिनट हलो, मैं बीबी फातिमा शबाना वजीर आजम ताजदार हरम पाकिस्तान होल्ड नबी का घराना जन्नत का गवारा पाकिस्तान हूँ और सदारत पर हूँ मैं पाकिस्तान की, मेरे हुलिये पे नहीं, हर चीज का कंट्रोल माइक पकड़ाइए है, और वो क्या माइक दो माइक, मैंने यहाँ पर इसका आगे कर ले, आगे कर आप कर ले, मैंने जो सर ये जो सस्ता सारा कुछ किया, जो 170 रुपए पेट्रोल था वो मैंने 170 रुपए करा है मैंने पेट्रोल, चीनी 100 पे करी है, घी मैंने मेडिकल उसने लिटिल स्टोर पर 100 रुपए का करा है, और वैसे इमरान खान चुप भाई बात कर लेते आप, बात कर लेते बिल्कुल बात सुने ना, बात करे ना, इमरान खान क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा कोई भी, सब अपने घर को भर रहे हैं, कोई नहीं भर रहा, कल मेरी बात सुने, बात सुने, आज आप ये राम राम, कल मुझे शालमी में एक बंदा मिला, उसने कहा जी साढ़े तीन सौ, आप बात सुने, बात सुन मेरी बात सुने, आपको मेरी बात सुने, उसने कहा एक मिनट, उसने कहा जी इमरान खान ने 3.5 साल में लूटा है, मैंने कहा तेरे पास शहादत है तो मुझे मेरी बात सुनो, मैंने कहा इमरान खान का कहीं भी मुझे एक पान का खोखा दिखा दो तो साफ ही शर्मिंदा होकर चला गया, बताओ मुझे लाहौर में क्या पाकिस्तान में कहीं इमरान खान का एक दुकान भी बता दो कि ये 3.5 साल की हुकूमत में इमरान खान ने लगाई है, तो मैं पीटीआई छोड़ने के लिए तैयार हूँ। एक मिनट सुने जी, सुने जी इंटरव्यू सुनने में सस्ता भी किया है और ज़कात रोकी है, ज़कात रोक के मैंने देने वाला है नहीं, एक मिनट बेक क्यों देने, बेक आप लोग लंदनों में लेके जा रहे हैं तो इधर कटा करके लंदन में लेके जा रहे, बात कर रही हूँ मैं अभी, बात सुने, बात सुने, मैं बात सुने, 1500 रुपये ने बयाना भर लिया, झूठ बोल रहा, 1500 रुपये बयाना भर लिया, आप सुन लो कर लो बात, सुनाए सुनाए भाई, आप ऊपर जवाब देने, मैं वजीर आजम हूँ पाकिस्तान के, वो कह रही है नानी कह रही है मैं वजीर आजम हूँ, आप दूसरा कह रही है असल में वो भी नहीं, एक मिनट भाई भाई एक मिनट सुनने दे, सुनने दे, मारियम नवाज सही है, पाकिस्तानी को लंदन में तो नहीं भाग रहा है, घूम रहा है अवामों के साथ है, मारियम नवाज से ही हम लोग का कबूल, नहीं ठीक है ठीक है बोले, हम लोग को एक मिनट यार एक मिनट सुन दे लोग, देखिए मैं गाड़ी चला,
गाड़ी कहाँ पे? गाड़ी नहीं है, मैं बस सुनने तो नहीं बनाए हैं आप, गाड़ी में बैठना जरूरी है। मेरी प्रोटोकॉल मेरे पास है, ये अल्लाह का शुक्र है, चंद दिनों में एक दो दिन में आपको प्रोटोकॉल सब मिल जाएगा। प्रोटोकॉल से समझ गए ना कि मैं वजीर आजम हूँ। जब भी आप प्रोटोकॉल जो बंदिश लगी हुई अधूरी है वो मैं मरियम नवाज नहीं हूँ, मैं बीबी फातिमा आप लोग का मजहब हूँ। पठान है ना तू, इसकी वजह से बेगैरत पठान है ना तू, बात नहीं करने दे रहे।